रज़ाक आपके ज़हरा फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, बच्चे भी आपको देखते हैं कि हम ये रज़ाक बने, तो क्या उनको टिप्स देंगे यंगस्टर को कि वो इस तरफ तवज्जो देखे? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बड़े बड़े प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं, और अगर शुरू से जाएँ वसीम अकरम है, वकार यूनस है, उसके बाद शुएब अख्तर है, शाहिद अफरीदी भी काफ़ी क्रिकेट खेले, मोहम्मद यूसुफ है, यूनस है, फिर मेरा नाम आता है, अब्दुल रज़ाक आता है, अज़र महमूद है, मतलब कि ये सारे सकलैन मुश्ताक हैं। और अगर पास में जाते हैं तो मोहसिन खान, बड़े बड़े मुदस्सर नज़र, बड़े बड़े प्लेयर हमने, इमरान खान तो माशाल्लाह बहुत बड़े प्लेयर गुजरे हैं, जवेद मियां दार, ज़हीर बात, बड़े बड़े नाम अगर लेते जाएंगे तो मैं इस चीज़ में नहीं कहता कि ये अब्दुल रज़ाक ही बने। पाकिस्तान में टैलेंट है, अगर आपको ऑलराउंडर का शौक़ है तो फिर आपने अपने ऑलराउंडर को फॉलो करना, जैसे इमरान खान है, वसीम अकरम है, उसके बाद अज़र महमूद है, मैं हूँ, तो हमने पाकिस्तान के लिए सर्व किया है। अगर हमारी वजह से कोई प्लेयर बनता है तो हमें खुशी होगी, हमें ये जेलसी नहीं होगी। अगर वो कहेगा कि जी मैंने अज़र महमूद बनना है, अब्दुल रज़ाक बनना है, तो इसमें कोई मजाका नहीं है, उसको मोटिवेशन के लिए उसको मिलना चाहिए। जब हम थे, हमने वसीम अकरम को चूज़ किया कि मैंने वसीम अकरम जैसा बनना है, तो मैं वसीम अकरम जैसा नहीं बन सकता, पर मुझे मोटिवेशन तो मिल सकती है ना, तो मोटिवेशन के लिए आप ये वर्ड यूज़ करने चाहिए, और ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ हमें ये चीज़ मिल गई है सारा कुछ। तो ये एक बेसिक होती है जिससे आपको प्लेयर मिलते हैं, प्लेयर बनते हैं, तो इसको उसी राह पर जगह पर रखना चाहिए, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। रज़ाक, किस वक्त आपकी नज़र में दुनिया का बेहतरीन जो मैच फिनिशर है वो कौन है समझते हैं? देखिए, ओवरऑल क्रिकेट का जो ग्राफ है काफ़ी नीचे आया है, और उस तरह की क्रिकेट नज़र नहीं आ रही जो हमने देखी। हमने बड़ा टफ टाइम देखा, और अगर आप 92 से लेकर 2007 तक जितने प्लेयरों से आप बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि क्रिकेट क्या थी, तो बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे। अब वर्ल्ड क्लास प्लेयर नज़र नहीं आ रही, अब वो बॉलिंग में वो डेप्थ नज़र नहीं आ रही, फील्डिंग में वो डेप्थ नज़र नहीं आ रही, बैटिंग में वो नज़र नहीं आ रही। अब बेसिक पे काम चल रहा है सारा कुछ, कि जी इस प्लेयर ने कर दिया तो कर दिया, जैसे विराट कोहली अब चल रहे हैं तो उन्होंने स्कोर कर दिया तो कर दिया, ठीक है उनके बड़े अच्छे प्लेयर हैं, बड़ा और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और पर उस कैटेगरी में नहीं लेके जा सकते जिस तरह सचिन तेंदुलकर हैं, इनके गुजरे हैं, तो वो बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी के प्लेयर। आपकी एक यादगार इनिंग तो सबको कभी नहीं भूल पाएगी, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दुबई में जो मैच हुआ था, तो अगर यही सिचुएशन इंडिया के खिलाफ हो और जसप्रीत बुमराह आपके सामने 15 रन चाहिए हो, तो क्या प्लानिंग होगी आपकी, क्या जहन में चल रहा होगा उस वक्त? देखें, सबसे पहले बात तो जिस तरह हमने वर्ल्ड क्लास प्लेयर को खेला हुआ है, उसके बाद अगर बुमराह जैसे बॉलर आते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेशर उन पर होगा, क्योंकि जब आप अच्छे बॉलर को खेल के आते हैं तो जब इस तरह के बॉलर आते हैं तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होती, ये अपने कॉन्फिडेंस की बात होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर मैग्रा को या वसीम अकरम को खेल के आ रहा हूँ, तो अगर बुमराह मेरे साथ आएंगे या शुएब अख्तर को मैं खेल के आ रहा हूँ, तो बुमराह तो मेरे लिए बिल्कुल बेबी बॉलर होगा, तो मुझे इसमें कोई ऐसा नहीं है, तो मैं उसको डोमिनेट कर सकता हूँ, उस पर अटैक कर सकता हूँ, तो उसको भी पता है कि ये प्लेयर इस बॉलरों को फेस करता हुआ आ रहा है। अब वो क्राइटेरिया नहीं है, इस लॉट के मुताबिक वो बड़ा अच्छा जा रहे हैं और उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव भी किया, ऑकवर्ड सेक्शन है, भागने का भी ऑकवर्ड है, पर जब बॉल रिलीजिंग है उनका बड़ा ज़बरदस्त है, सीम पे बॉल गिरता है, इसलिए इफेक्टिव है।